गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल के लोगों से निवेदन किया है कि वे ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकें। नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेता अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा बादुड़ी से मुलाकात कर उनसे भी आग्रह किया कि वे ममता बनर्जी के गुंडा राज के खिलाफ माहौल बनाने में उनकी मदद करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अमिताभ बच्चन की सास और जया भादुड़ी की माँ इंदिरा भादुड़ी के निवास पर पहुंचे और बंगाल चुनाव के मसले पर उनसे चर्चा की। मिश्रा ने उन्हें अगले सप्ताह आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम का आमंत्रण भी दिया। मिश्रा ने इंदिरा भादुड़ी को बताया कि पुलिस प्रशासन बंगाल में तृणमूल के कार्यकर्ताओं की भांति कार्य कर रहे हैं। बंगाल संस्कारधानी रहा है। बंगाल का स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही आध्यात्मिक, साहित्यिक, धार्मिक, औद्योगिक क्षेत्र में अमूल और अद्वितीय योगदान रहा है। बंगाल एक संस्कारधानी भी है, जिस बंगाल ने देश को सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी, स्वामी परमहंस विवेकानंद जी जैसे लोग दिए। बंगाल ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। आजादी की लड़ाई में भी बंगाल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उस बंगाल की ये हालत जब जाके देखते हैं, निर्ममता दीदी के द्वारा की गई है, मन को पीड़ा होती है। एक वो बंगाल जो देश को रोजगार देता था उद्योग के क्षेत्र में, टाटा से लेके दूसरे उद्योग वहाँ बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है। प्रवासी मजदूरों में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लौटे, हमने भी मध्य प्रदेश से उनका सफ़र तय कराया। ये बंगाल की हालत ऐसी कैसे हो गई कि वहाँ बेरोजगारी का और गरीब का ऐसा आलम है? और इसलिए हम पूरे देश के अंदर जितने बंगाली हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, जब रिफ्यूजी वाला मामला आया था तो हमने मध्य प्रदेश ने बंगाल को बड़ी संख्या में अकोमोडेट किया था। मध्य प्रदेश के लोगों के हृदय में आके बसे थे। भोपाल में भी वो काफ़ी बड़ी संख्या है, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं हमारे जो सदी के अभिनेता हैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनकी सास से भी निवेदन करूंगा कि वो बंगाल के बंगालियों से इस कुशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट सरकार के जो निर्ममता दीदी की है उसे उखाड़ने की अपील करें। वो मैं उनसे कोशिश करूंगा, अगर वो स्वस्थ होंगी तो उनसे भेंट करने की भी कोशिश करूंगा कि वो अपील करें पूरे बंगालियों से कि हमारा बंगाल पुनः शांत हो, हमारा बंगाल पुनः समृद्ध हो, हमारा बंगाल फिर एक बार साहित्यिक, धार्मिक क्षेत्र में दिशा दे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।